आज मैंने कुछ अनोखा काम करने जाना है और वो है काउ टंग, यानी कि बीफ की जो है वो ज़बान जो है मैंने बनाने जाना है, और इसको मैंने करना है बारबेक्यू। इसको बॉयल करने के लिए पानी के साथ इसमें डाल दिया है, और इसके साथ जो इसके ऊपर इन्ग्रीडियंट्स डालने हैं वो ये नमक है, बाकी ये जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब डालना है ताकि इसकी स्मेल जाए इसमें। और ये जब बॉयल हो जाएगा तो उसके बॉयल होने के बाद फिर मैंने इसको इसकी जो स्किन है उसको पील ऑफ करके और फिर उसको मैंने अपने उस फॉर्म में लेकर आना है बारबेक्यू फॉर्म में। तो अभी मैं इसमें डालने लगा हूँ ये सारे जो मसाले हैं और नमक, और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ये बॉयल होगा, और उसके बाद इसकी हमने स्किन को पील ऑफ करना है, क्योंकि इसकी स्किन आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी स्किन है। इसको जब 2 घंटे बॉयल होगा तो ये हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने के बाद इसकी स्किन को मैंने पील ऑफ करना है। और ये इसको मैं पूरा पील ऑफ कर दूंगा, ये इस तरह से पूरी टंग जो है वो पील ऑफ हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर मैरिनेशन करनी है मसाले की, ये अंदर का जो इसका मीट है वो निकल कर आ जाएगा सारा। ये देखिए आप चेक करें, ये इसका अंदर का सारा जो मीट है ना वो निकल कर आ रहा है, बहुत ही ईजिली पील ऑफ हो रही है क्योंकि मैंने इसको अच्छा बॉयल किया है। और यू कैन सी इसके बाद मैंने इसको बारबेक्यू करना है। इसका जो बारबेक्यू है वैसे तो ये ऑलरेडी यानी कि गली भी है, इसका बारबेक्यू में से भी होगा कि मैंने सिंपली इसको कुछ देर के लिए रखना होगा, इसको जो मसाला वगैरह रख के मसाला डाल के और थोड़ी देर के लिए रखना होगा, उसके बाद मैंने इसको निकाल लेना है। तो मैं आपको इसके लिए जो मैरिनेशन है जो इसके लिए जो मैरिनेशन का जो सामान रेडी किया हुआ वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। टंग को फुली जो है वो पील ऑफ कर दिया, इसके ऊपर की स्किन की मैंने पूरी जो है वो रिमूव कर दी, और ये इसका पार्ट जो है वो मैंने शुरू में रिमूव कर लिया था, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी टो है जो यहाँ से बिल्कुल टो होती नहीं वो है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया था। लेकिन खैर यहाँ से मैंने इसको अब कट करने लगाऊँ, एक पीस मैंने इसका कट कर लिया, और इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से पीसेस करने हैं कि ये ऐसे सीख में आ जाएगी, और मैं इसको कट करने लगा हूँ। उसके बाद फिर इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ा सा और फिर सीखों में लगा देंगे। तो ये इसके पीसेस इस तरीके से करने हैं, और ये सीख में फिर हम ऐसे करेंगे और फिर इसके ऊपर मैरिनेशन करके डायरेक्ट बारबेक्यू पीस कर देंगे। ये है मेरा मैरिनेटेड बीफ टंग का मसाला, और इसको मैंने ऐसे जो है वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऊपर से इस तरह से, और मैरिनेशन के लिए टंग के ऊपर मैंने डाल दिया। सो द टंग बारबेक्यू इज़ रेडी टू ईट। ये है मेरा फर्स्ट एवर टंग बारबेक्यू, देखें अंदर से कैसा मैरिनेटेड हुआ है और कितना सॉफ्ट है ये लुक में, चेक कर सकते हैं आप कितना जूसी है, ये कितना जूसी बना हुआ है।